नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी का अष्टमः पाठ पुत्री संरक्षणीया इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पुत्रः वा पुत्री कीदृशः भवेत्। पुत्र या पुत्री किस प्रकार हो। तो उत्तर है स्वस्थः। ख कः पुत्रमेव इच्छति। कौन केवल पुत्र को ही चाहता है। तो उत्तर है नरेंद्रः। नरेंद्र केवल पुत्र को ही चाहते हैं। ग काः भाराः न भवन्ति। कौन भार नहीं होते हैं। तो उत्तर है पुत्र्यः। पुत्रियां कभी भी भार नहीं होती हैं, बोझ नहीं होते हैं। घ सुजाता केन सह परिश्रमं करिष्यति। जो सुजाता थी वो किनके साथ परिश्रम करेंगी। तो उत्तर है नरेंद्रेन सह या स्वपत्या सह। नरेंद्र के साथ या अपने पति के साथ, क्योंकि नरेंद्र अपने पति का, उनके पति का नाम है। चिकित्सिका कीदृशं नरेंद्रम उत्थापयति। जो चिकित्सिका थी किस अवस्था में स्थित नरेंद्र को उठाती है। शयानम अर्थात सोते हुए नरेंद्र को चिकित्सिका उठाती है। अब प्रश्न संख्या दो पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला है नरेंद्रः कथम धनम अर्जितवान। नरेंद्र ने किस प्रकार धन कमाया था। तो उत्तर है नरेंद्रः आजीवनम अहर्निशं परिश्रम्य एतावत् धनम अर्जितवान। अर्थात नरेंद्र आजीवन बहुत मेहनत करके धन कमाया था। दूसरा ख है नरेंद्रः किम श्रुत्वा कक्षं प्रतिधावति। माने नरेंद्र क्या सुनकर कक्ष की ओर दौड़ता है। तो उत्तर है नरेंद्रः चिकित्सिका शुभाशयाः। भवतः गृहे पुत्री उत्पन्ना जाता। भवतः पत्नी अपि स्वस्था अस्ति इति श्रुत्वा कक्षं प्रति धावति। नरेंद्र चिकित्सिका के वचन बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके घर में पुत्री हुई है और आपकी पत्नी भी स्वस्थ है, इस वचन को सुनकर वह कक्ष की ओर दौड़ते हैं। पाठाधारेण किम कठिनम वर्तते। पाठ के आधार से क्या कठिन है। तो कहा पाठाधारेण अद्यतने समये पुत्र्याः पालनम शिक्षणम विवाह कार्यम कठिनम वर्तते। तो आज के समय में पुत्रियों का पालन शिक्षण और विवाह कार्य आदि बहुत कठिन ऐसा मानते हैं नरेंद्र। रोदंती सुजाता द्वयोः विषये किम वदति। रोती हुई सुजाता उन दोनों के विषय में क्या बोलती है। तो उत्तर है रुदंती सुजाता द्वयोः विषये वदति। भवन्तौ द्वौ अपि मम कृते समानौ स्तः। अहम् द्वाभ्याम् एकम् कथम् चिनोमि। रोती हुई सुजाता उन दोनों के विषय में बोलती है कि आप दोनों मेरे लिए समान हैं, और जब समान है तो मैं आप दोनों में एक को कैसे चुन सकती हूँ। तो गंगा नरेंद्रः विस्मितः भूत्वा किं वदति। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर क्या बोलते हैं। उत्तर है नरेंद्रः विस्मितः भूत्वा वदति त्वं का। अहं न जानामि कासि त्वं। गच्छतु इतः अहं केवलं पुत्रमेव इच्छामि। तो कहते हैं नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं त्वं का, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, और मैं तो केवल पुत्र को ही चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। अब प्रश्न संख्या तीन। अब इसमें है उचित पदई रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। माने ठीक शब्दों के माध्यम से हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चिकित्सकीयम डैश भविष्यति। तो इसका उत्तर है परीक्षणम। माने चिकित्सकीय परीक्षण होगा। अहम तो केवलम डैश एव इच्छामि। तो उत्तर है पुत्रम। मैं केवल पुत्र को ही चाहता हूँ। पुत्र्याः डैश न भवन्ति भाराः। पुत्र्याः भारा न भवन्ति अर्थात पुत्रियां भार नहीं होती हैं।
अहमपि भवता सह डैश करिष्यामि, तो उत्तर है परिश्रमम, मैं भी आपके साथ परिश्रम करूंगी। किमपि भवतु मम पुत्री डैश स्थास्यति, तो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरी पुत्री जीवित होगी, जीविता। स्त्री बिना भवतः डैश अस्ति किम, तो स्त्री के बिना आपका अस्तित्व है, तो उत्तर है अस्तित्वम। एताः सर्वाः अपि डैश एव सन्ति, तो उत्तर है स्त्रियः, माने ये सारी की सारी भी स्त्रियाँ ही हैं। तो ये हुआ प्रश्न 3। तो अब प्रश्न 4 पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 4, कह कम प्रति कथयति इति उत्तरथ, माने किसने किसके प्रति बोला इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहला है, भवान शिक्षितः भूत्वा अपि कीदृशीं वार्तां करोति, तो आप शिक्षित होकर भी किस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह सुजाता ने नरेंद्र के प्रति बोला। दूसरा, भवती एताम शीघ्रं स्वस्थां करोतु, आप इनको बहुत जल्दी स्वस्थ करो, ऐसा नरेंद्र कहते हैं चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका की चिकित्सिका के लिए कहते हैं। अहम तु न इच्छामि पुत्रीम, मैं तो पुत्री को नहीं चाहता हूँ, ऐसा नरेंद्र पुत्री से कहते हैं। एषा शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति, यह बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी, ऐसा चिकित्सिका ने नरेंद्र से कहती हैं। पितः पितः अहम जीवितुम इच्छामि, पुत्री नरेंद्र से कहती हैं। तो ये हुआ प्रश्न 4। अब प्रश्न 5 है कि पाठात चित्वा अदो दत्त शब्दानां पुरतः विलोम शब्दान लिखत, माने पाठ से हमें विलोम शब्दों को ग्रहण करना है। अस्वस्थः, इसका विलोम पद है स्वस्थः। अशिक्षितः शिक्षितः, न ज्ञायते ज्ञायते। श्वस्थने ह्यस्तने, सरलम कठिनम। हसन्ति रुदन्ति, जागृतः सुप्तः। तो ये हुआ अभ्यास 5। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का है, स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। सर्वप्रथम है चिकित्सकीय परीक्षणं भविष्यति, तो इसका उत्तर है कीदृशम अथवा किम परीक्षणं भविष्यति। यदि भवतः माता न स्यात्, जो यहाँ पर माता शब्द स्त्रीवाचक है और एकवचन है, तो इसलिए यहाँ पर का प्रश्न निर्माण में होगा। यदि भवतः का न स्यात्, पुत्र्यः भाराः न भवन्ति, तो यहाँ पर जो पुत्र्यः शब्द है वह पुत्री शब्द का बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर काः भाराः न भवन्ति। आगे अहमपि भवता सह परिश्रमं करिष्यामि, यहाँ पर भवता शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो अहमपि केन सह परिश्रमं करिष्यामि। सुजाता शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति, माने भाई सुजाता बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी, तो सुजाता के स्थान पर प्रश्न निर्माण का शीघ्रमेव स्वस्था भविष्यति। नरेंद्रस्य गृहे पुत्री उत्पन्ना, नरेंद्र के घर में पुत्री उत्पन्न हुई, तो प्रश्न निर्माण है कस्य गृहे पुत्री उत्पन्ना। अब प्रश्न संख्या 7, तो मम परिवारः इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृत भाषायां पञ्चवाक्यानि लिखत, तो इसमें मम परिवार इस विषय को लेकर आपने संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। तो सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हैं। मम परिवारः सुखी परिवारः अस्ति, मम परिवारे 6 जनाः सन्ति, मम पिता वैद्यः अस्ति, मम माता शिक्षिका अस्ति, अहं भगिनी छात्रे छात्रौ स्वः, हम दोनों। पहला है मम परिवार, बहुत मेरा परिवार सुखी परिवार है, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरी माँ शिक्षिका है, और हम दोनों, मैं और बहन, दोनों छात्र हैं। तो
यहीं पर पाठ समाप्त हो।